अभियान, आप लास्ट क्लास में कहाँ थे आप? सिर्फ बताया नहीं था मैनेजमेंट ने ही क्लास से, सर तो इसलिए सर मुझे नहीं पता चला। पता नहीं चला? अरे ग्रुप पे क्या होगा मैसेज? सुहानी आपको पता चला था? यस सर, बट आई वाज ट्रैवलिंग। अच्छा ट्रैवलिंग, ओके ओके। उर्वशी आपको? सर मुझे क्लास का पता ही नहीं चला कब थी। बताइए, लिमिटिंग रिएक्शन खत्म हो गया? बताइए कहाँ हैं आप लोग? चलिए जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं मैं आप तीन, अच्छा आप तो बच्चे भी आ गए, क्या मैं समझा, तो आप वीडियो लेक्चर देखें तभी समझ में आएगा। ओके साइंटिस्ट, ओके। अरे बोलिए ना सुहानी और वशी, देख लेंगे। हाँ प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैनेजमेंट से मान लीजिएगा। अब आपकी क्लास तीन दिन होगी ही, MWF याद रहेगा सबको, MWF, ओके? यस सर। देविन आप लास्ट क्लास में कहाँ थे? देविन देविन कैन यू हियर मी, मेरी आवाज आ रही है आपके कानों तक? चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, आप वीडियो लेक्चर देख देख लिया होगा तो अच्छी बात है, जिसको ना आ रहा है कोई बात नहीं, नया टॉपिक भी शुरू होगा आज, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो हम लोग देखिए, मैं दो मिनट रिवीजन करा देता हूँ। हम लोग प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, जिसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, एनालाइज कर रहे थे। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपने ये देखा कि भाई एक कंसेप्ट आया लिमिटिंग रिएजेंट का, तो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करा दिया था। आज हम नए क्वेश्चन पर आएंगे जो सबको समझ में आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, जिनका छूट भी गया उनको भी समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। हेलो एवरीवन, तैयार हैं? हाँ कोई बात नहीं है, चलिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू में लिखिए, फिर आज लास्ट टॉपिक है लगभग खत्म, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं। फिर इस चैप्टर का रिवीजन क्लास हम एक शेड्यूल आपको देंगे इन तीन क्लास के अलावा, जो पीछे से दोबारा रिवीजन और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एकाध टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। सुना सारे लोग? चलिए देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज स्ट्रॉन्गली हीटेड। कोई टफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप देखिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन रहता है तो हो सकता था सब प्रॉब्लम होती, हमारा आयुष हंसना समझा। तो सारे लोग क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन, यस सर। देखिए रिएक्शन है, सबसे पहली बात इसी को कहते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको रिएक्टेंट देकर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट देकर रिएक्टेंट का अमाउंट पूछेगा। तो सबसे पहली बात, आप CaCO3 सॉलिड होता है, जब आप उसको हीट करते हैं तो CaCO सॉलिड और CO2 गैस बनता है। अब यहाँ पर क्या रेसिड्यू, गैस तो एस्केप आउट हो जाएगा, गैस उड़ जाएगा, रेसिड्यू हमेशा सॉलिड रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। रेसिड्यू का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सॉलिड, तो आपको यही कह रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कितना है। तो तमाम क्वेश्चन को पिछले क्लास में बताया था, प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन को हमेशा क्वेश्चन का मूल कंसेप्ट, तो सबसे पहला काम कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास। फिर मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर देता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मोल। बोलिए हाँ या ना जल्दी बता दीजिए सारे। हेलो एवरीवन, और आप क्वेश्चंस को देखिए कि CaCO3 को जब आपने हीट किया तो CaO बना और CO2 गैस, गैस तो एस्केप हो जाएगा, यही आपके पास रेसिड्यू है। तो आप खुद सोचिए
बताइए ये वन मोल है, बताइए वन मोल ऑफ सी ए सी ओ थ्री ऑन हीटिंग, बताइए रिएक्शन को देख के बताइए कितना सी ए ओ दे रहा है, जल्दी बताइए वन ही मोल दे रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस हाँ, बस मैंने कहा का बहुत आसान है, इसलिए 0.5 मोल कितना देगा, बस 1 × 0.5 मोल, तो आंसर हो गया 0.5 मोल ऑफ CaO, ये इतना रेसिड्यू बना, क्योंकि मास पूछा है तो मोल निकाल लिया, तब इसको मास में कन्वर्ट कर दीजिए, मास तो मोल, मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ CaO मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर दीजिए 56, 0.5 × 56 ग्राम, बहुत आसान है, 1 मोल गिव्स इतना, 1 मोल 0.5 मोल गिव्स कितना, सबको समझ में आया, सुहानी उर्वशी अधियान देवीन कुमार आयुष स्नेहा पुलामी सब लोग बताइए समझ में आया या नहीं आया। यस सर। हाँ मैं दिखा देता हूँ, पहला यही है, सारे लोग देख लें, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई एक रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, डायरेक्ट आप रिलेट कर ले, बताइए अच्छा समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, बहुत आसान है, बहुत आसान। क्वेश्चन लिख लीजिए, has everyone noted down this slide? Yes sir. Yes. ये भी नोट कर लिया सारे लोग, यस सर कर लिया। जी डेविन, कल का टॉपिक क्या है, लेकिन कल के टॉपिक में लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट आया, तो वो आज नहीं आएगा, वो मैं उस पर क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आज जनरल क्वेश्चन है, ठीक, आज जनरल क्वेश्चन है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है उसी, हाँ है उसी टॉपिक का, 2 moles ऑफ हीटिंग, ये जनरल है कि बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन लिखिए, आपको सब समझ में आएगा, जैसे हाउ मेनी लीटर ऑफ O2 एट STP रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लीट कम्बशन ऑफ 2 mole ऑफ हीटिंग, सारे लोग लिखिए। अक्षत मेरी आवाज आ रही है, अक्षत दियांशु मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ चलिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2, तो पहला काम क्या होगा, जब भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन रहेगा तो पहला काम बैलेंसिंग रिएक्शन लिखेंगे, इथेन को हम कंबशन करते हैं O2 के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है,
दो कार्बन है। हाँ देखिए कुमार आयुष का आ गया, टू आपके पास हो गया, थ्री एस टू हो गया, तो सेवन बाई टू हो गया। कुछ नहीं करना है, ओ टू रिक्वायर्ड है, इथेन का निकालना है। तो मैंने कल शॉर्टकट भी बताया था, एक तो मैंने अभी यूनिटरी मेथड से बता दिया, और जिनका छूट गया कोई बात नहीं, मैं एक शॉर्टकट भी बताया था। शॉर्टकट ये था कि अगर कोई रिएक्शन है, सोहानी, उर्वशी, दिव्यांशु और अधियान, ध्यान दें, सी सी प्लस डी टी है। तो आप क्या कीजिए, अगर आप यूनिटरी मेथड से नहीं करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इससे ये आसानी होगी कि किसी भी रिएक्शन में, चाहे रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, किसी एक की भी इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी तो आप सब कुछ मालूम कर सकते हैं। ए मालूम दिया हुआ है तो बी सी डी कुछ भी मालूम कर सकते। तो वही हाल यहाँ पर है, हमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ओ टू इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन। तो आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू एस सिक्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको कहते हैं बैलेंसिंग नंबर, वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू स्टोइकोमेट्रिक सेवन बाई टू, बस इस दोनों को इक्वेट कर दें। यूनिटरी मेथड से अगर बचना चाहते हैं तो हमें यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू एस सिक्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू कितना दिया हुआ, टू, ये टू ऊपर चला गया, तो बताइए कितना मोल सी टू एस सिक्स चाहिए, जल्दी बताइए सारे लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू एस सिक्स फोर बाई सेवन मोल चाहिए कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा हाउ मेनी लीटर्स, अच्छा 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 उल्टा कर दिया मैंने, हमको ओ टू का निकालना, समझा इथेन का निकालना, सॉरी कोई बात नहीं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू, टू ऊपर चला गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू बाई सेवन हो गया, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू एस सिक्स, यहाँ देखिए दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ आपको, टू, तो आपसे कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू सेवन मोल रिक्वायर्ड है। देखिए दो मोल सी टू एक्सिस को जलने के लिए सेवन मोल की रिक्वायरमेंट है। हमें मोल पूछता तो यही आंसर था, लेकिन लीटर पूछा है तो आपको मालूम है एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर, सो द वॉल्यूम ऑफ ओ टू एट एसटीपी तो कितना हो जाएगा, 7 × 22.4 लीटर। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, बोलिए कोई गलती तो नहीं है। कुमार आयुष सब कुछ समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दें। तो 7 × 22.4 करेंगे तो यही आएगा, ये आपका आंसर है। तो बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन, और ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई वन मोल के लिए सेवन बाई टू मोल चाहिए तो टू मोल के लिए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो तो बता दें। डेविन, कुमार, गुलामी, स्नेहा, सुहानी और उर्वशी, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यही है, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन सब आएंगे, हाँ इस पर स्पेशल क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। कुमार आयुष आपका आंसर क्या आया था, 841, समझ में आया क्या हो गया? ये लिख लिया तो बताइएगा। ओके नेक्स्ट, अब ये शॉर्टकट लिख लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन, पहले ये आंसर, पहले इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, उसके बाद ये शॉर्ट कर लीजिए। अगर आप यूनिटरी मेथड से बचना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं।
अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइए, सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। क्वेश्चन बहुत आसान है, सर आप पिछले वाले क्वेश्चन की स्लाइड दिखा सकते हैं, मेरा एग्जिट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर समझा भी दीजिए, समझ नहीं आ रहा ऐसे देख के। अच्छा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हमने ये कहा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट STP रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ ईथेन। पहला काम है कि आप तो पिछले क्लास में थे तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा? यस सर, पिछले वाले में था मैं। अच्छा आप ये आपने बैलेंसिंग लिख लिया, हाँ या ना बताइए। यस सर लिख लिया। ठीक है, तो बस आपको कह रहा है कि भाई 2 मोल ऑफ ईथेन से रिएक्ट करने के लिए कितने O2 की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मोल के लिए 7/2 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो 2 मोल के लिए क्या होगा, 2 × 7/2, 7 मोल आंसर। यस सर। या नहीं तो जो मैंने ट्रिक्स दिया था कि आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, तो ये 7 मोल होगा। अब मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लीजिए 22.4 लीटर से। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर ले लिया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप अपने से सारे लोग करेंगे। रेसिड्यू उसको कहते हैं जो सॉलिड फॉर्म में है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मास ऑफ रेसिड्यू फॉर्म। आपको एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर आपको दिया हुआ है 108। अब ये रिएक्शन भी दिया हुआ है आपके पास, रेसिड्यू सॉलिड है तो हमें सिल्वर का आपको निकालना। चलिए अपने से निकाल के दिखाइए सर प्लीज, कोशिश बहुत आसान है। हमेशा क्वेश्चन को मोल से करेंगे। हाँ वेरी गुड प्लान, थैंक यू। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2CO3 किसी का आया है, कितना आया है, 2 × 108 + 60 = 276। पहले बताइए 0.01 मोल आया, क्वेश्चन को हमेशा मोल से कीजिए। अभी सारे लोगों का ये मोल आया, हाँ या ना जल्दी बताइए।
अब बताओ एक मोल गिव्स टू मोल, अब इससे आसान क्या हो सकता है क्वेश्चन, एक मोल टू मोल ऑफ एजी दे रहा है, इतने मोल ऑफ कितना हो जाएगा, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजी क्या हो जाएगा, 2 × 0.01 नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए यहाँ आना सारे लोग। यस सर। बस अब इससे आसान क्या हो सकता है, मास में निकालना है तो मोल को मास से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 2 0 के बाद, दिस इज आसान। कोई ऐसा स्टोन जिसको ना समझ में आया हो, देवी ना आया, देवी अंशु आया कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कह रहा है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत है ही नहीं। ये वाला लिख दिया। हमारा आयु समझ में आया ये, हाँ या ना? इस पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन डन सब लोग बताइए, फिर मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। रिएक्शन लिख लें। यहाँ मोलारिटी दे दिया कोई, अब देखिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि मोलारिटी से आप ये नहीं समझेंगे कि टफ है। मैंने कहा क्या, किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को हमेशा किस कंसेप्ट से करेंगे, जल्दी बताइए, मोल से करेंगे, ये बताया कि नहीं मैंने आपको? फिर से बताइए, प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन को किस कंसेप्ट से करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, मोल निकालना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस यस। जब अब यहाँ पर मास उसने नहीं दिया, इसलिए मैंने कहा कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मोल्स निकाल लीजिए। सबसे पहली बात आपको मालूम है मोल्स ऑफ एसीएल क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी का फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सारे लोग मिलके बोले, देविन, दियांशु, पुलामिया, स्नेहा, सुलामिया, ध्यान, सब लोग बताएं, मोलारिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम था, हाँ या ना? तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे, हाँ या ना? यार कोई बोल ही नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही मेरी, भाई मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स पर, भूल गया क्या, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, हाँ या ना, बताइए सारे। यस सर। सबको मालूम है ना, अध्ययन क्यों नहीं बोल पा रहे हो तुम, देवेन, ध्यानशु, सब लोग बोले, पढ़े हो ना सब लोग,
यस सर। आवाज नहीं आ रही है मेरी सबको, अब आइए फिर से वही बात। मोल्स निकालने का तरीका बहुत सारे हैं। हर क्वेश्चन को प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन को सबसे पहला काम क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम मोल्स सबसे पहले निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मास कुछ भी नहीं दिया है तो अब मोलारिटी से निकालें, तो मोलारिटी 0.75 वॉल्यूम 25 लीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए लिखिए यहाँ तक सारे लोग, ये आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 0.75 18.75 × 10⁻³ मोल। बस हो गया। तक लिख लिया तो बताइए। अब हमसे पूछ रहा है कितना मास सीएसी रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट कंप्लीटली विद एससी, तो बस इसको इससे रिलेट कर दें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl/2 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, इक्वेशन को देख के बताइए सारे लोग। शॉर्टकट बताया था ना आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय 1, नंबर ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब आइए आपको क्या है क्या, हां क्या कहा जा रहा है, व्हाट मास ऑफ CaCO3, बस मोल्स निकल, मोल्स आपको निकल गया 18.75 × 10⁻³। इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 18.75 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा 9.375 × 10⁻³। मास पूछा है तो मास ऑफ CaCO3 9.375 मोल को हम इसके मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। ये आंसर है। यूनिटरी मेथड से करना चाहते हैं प्रचारित कर लीजिए कि भाई पहले यहाँ तक ये पहले स्लाइड लिख लिया आपने, पहले बताइए लिख लिया आप लोगों ने, आप सब लोगों ने? यस सर लिख लिया। ध्यान देविन दिव्यांशु, आप लोगों ने लिखा और समझ में आया या नहीं आया? मोल से मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से मोल निकाल लिया और आप यहाँ रिलेट कर लिया। हेलो सर। हाँ बताइए दिव्यांशु। हाँ सर, आपने क्या समझाया सर, आज कुछ ज्यादा ही नेटवर्क इशू हो रहा है सर, बारिश हो रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा सबको मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या उस वक्त से? मेरी आवाज तो सही आ रही है नहीं क्या लामिया स्नेहा सुहानी? अच्छा आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। यस सर, कोई बात नहीं, बहुत बारिश हो रही है। अच्छा बारिश हो रही, कहाँ कहाँ बारिश हो रही, किस जगह किस जगह? सर एक्सटेंशन, सर नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन, कोई बात नहीं। अलीगढ़ का भी मौसम खराब है, बादल तो लगे हुए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, हमने कुछ नहीं समझाया, सिंपल उस वक्त से एक ही तरह का क्वेश्चन हो रहा है कि एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, दूसरे का कह रहा है, आपने क्या किया मोलारिटी इनटू वॉल्यूम को सॉल्व करके मोल्स निकाल लिया। यानी हमारे पास एक कंसेप्ट होना चाहिए, पिछले क्लास में भी समझाया, इस क्लास में भी समझा रहा हूँ, जब भी प्रॉब्लम टू केमिकल रिएक्शन रहे आप तमाम क्वेश्चन को मोल से कीजिए। मोल्स सबसे पहला काम निकाल लीजिए, मास दिया रहे तो वह मान लो। हाँ यहाँ अब जान बुझ के क्या किया, मोलारिटी वगैरह दे दिया, तो मोलारिटी देने से आपको घबराना नहीं है। अगर मोलारिटी क्यों दे दिया यहाँ, तो मोलारिटी वॉल्यूम की मदद से आपने मोल्स निकाल लिया। अब आपको मैंने शॉर्टकट तो बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, जब इसके दो मोल है तो इसके वन, हाँ जब इसके दो मोल है तो इसके वन मोल है, इसके जब वन मोल होंगे तो इसके हाफ मोल लिखा हुआ हाफ मोल। यस सर, बस अब इसको निकालना है, इसका मोल दे दिया, बाकी सब कैलकुलेशन है, मोल को मास में कन्वर्ट कर लिया। इससे आसान क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं चैप्टर में, परसेंटेज कंपोजिशंस के बाद कि रिएक्शन को दे। हाँ पिछले क्लास वाला इंपॉर्टेंट था, जहाँ लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट आया, आज के क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने नहीं दिया क्योंकि पिछले में मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दिया था। आज तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो रहा है, एक रिएक्टेंट का अमाउंट देके दूसरे रिएक्टेंट का दे रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट देके प्रोडक्ट का अमाउंट कह रहा है,
तो आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखें, मोल्स निकाल लें, इंफॉर्मेशन को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये आया सबको समझ में? हाँ या ना बता दीजिए। आप अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक हम लोग लिख रहे हैं, लिख लीजिए। ये सबसे आसान है इस पर, लेकिन न्यूमेरिकल आते हैं। मैं इस पर स्टेटमेंट के बाद ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, जल्दी से खत्म कर दूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, फिर इस चैप्टर के रिवीजन का एक शेड्यूल मैं आपको दूंगा, इसमें और प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताइए। सुहानी, उर्वशी, स्नेहा, पुलामी। अरे स्नेहा पुलामी, आप लोग बोलती क्यों नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। यस सर। चलिए लिख लिया, चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं, 11th में इसलिए ये पढ़ना है कि इस पर न्यूमेरिकल अप्रोच आपको सिखाया जाएगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन जल्दी बताइए? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें सबसे पहला लॉ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम सुना है ना? हेलो एवरीवन। यस सर। कोई बोल? हाँ, इस पर न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करेंगे। मैं पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह सब चारों लॉ का मैं बता। तो देखिए इसके दो हैं, आप सबको मालूम है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मालूम है कि नहीं सबको? सारे लोग बताइए हाँ या ना। yes, तो, दो स्टेटमेंट लिखेंगे। इन्होंने कहा कि इन अ केमिकल रिएक्शन, मेरे साथ साथ लिखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन, इसका इस्तेमाल करके आपको न्यूमेरिकल देगा। इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको आप ये भी, हाँ प्रोडक्ट, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मैटर यानी मास भी कह सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड, छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं, ये भी सिलेबस में है, इस पर मेरा क्वेश्चन सब आते हैं, इसलिए पढ़ाया जा रहा है नॉट डिस्ट्रॉय। बताइए ये लाइन सब लोगों ने सुना था कि नहीं, जल्दी बताइए। लुशियर ने ये आपको नाम है लुशियर, ये उन्होंने दिया था। ये सबको समझ में आया? सुहानी, उर्वशी, पुलामी, लोगों को समझ में आया? सिंपल कंसेप्ट है। yes. इस पर न्यूमेरिकल yes, कैसे देगा वो भी मैं बताऊंगा, इस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको, कराइएगा। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग लिख लिया। अरे अध्यान समझ में आया? देविन, दिव्यांशु, सबको समझ में आया? yes, sir, लिख लिया। Yes, sir. चलिए दूसरा, मेरे दूसरा तो और आसान है, लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन। नाम सुना है 9th में कि नहीं सुना है? सर सुना है। सर सुना है तो बताओ क्या होता है। अध्ययन तुम बहुत तेज हो ना, 10th तुम्हारा अच्छा किया ना, प्रोपोर्शन बताओ, व्हाट इज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, जल्दी बताओ। सर याद नहीं आ रहा सर। नहीं कोई जरूरी नहीं कि आप स्टेटमेंट बोले, अपनी लैंग्वेज में समझा दीजिए। अपने जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इसे, कोई बात नहीं हम बता रहे हैं आपको। चलिए कोई बात नहीं, कोई कोई भी आदमी बता सकता है। डेविन आप तो बता सकते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, बताइए आप, व्हाट इज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, नाम सुना है? देखिए इन्होंने सिंपल कहा, गौर से सुनिए। वाटर का नाम सुना है आपने? वाटर बोलिए सारे लोग, वाटर तो सुना ही है। yes, तो सिंपल है, सिंपल है कि वाटर आप इंडिया का लें, अमेरिका का लें, कहीं का भी लें, नंबर वन। नंबर टू, टैप वाटर लें, ड्रिंकिंग वाटर लें, कहीं का भी वाटर लें, सबसे पहली बात कि वाटर हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा और उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होगा, 2:16 हमेशा 1:8 होगा। Did you understand? चाहे अमेरिका का yes, पानी हो,
चाहे हिंदुस्तान का पानी हो या टैप वाटर हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, कोई भी वाटर हो, लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब देगा इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ये तो 9th 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चन सब देगा, डेटा दे देगा, कहेगा बताओ कौन सा लॉ ओबे कर रहा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लो 7 लॉ, 4 लॉ आपको ऑप्शन होगी, असल वहां आपको सिखाऊंगा मैं न्यूमेरिकल। तो ये तो स्टेटमेंट आप पढ़ चुके, कोई भी वही कहा गया डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये कहा कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास। वाटर हमेशा उसमें सेम एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, कोई भी वाटर ले लें। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। चलिए याद आ गया कि नहीं, यही पढ़ा होगा ना? यस सर। अच्छा देखिए, इन सब लैंग्वेज का इस्तेमाल न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, ये सब लाइन याद रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम होगा। अब आप 11th में समझ समझ के पढ़िएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे न्यूमेरिकल में होगा। ये भी ना रहा सब आपको, प्रोपोर्शन को आप कंपोजिशन भी कह सकते हैं, यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द सोर्स, किसी भी सोर्स से आपको इससे मतलब नहीं है, किसी भी सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, टैप वाटर हो, रेन वाटर हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, इंडिया का पानी हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। आप लिख सकते हैं पहले, इसके आगे भी इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, सोर्स। चलिए न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए हाँ या ना। बताइए, हेलो एवरीवन, 4 लॉ मैं पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल में भी, जल्दी लिखें सारे लोग, लिख लिया तो बताइए। ये बोल ही नहीं रहे हैं भाई, आवाज नहीं आ रही है, कटकट की आ रही है क्या? यस डन, आप सब लोग बोल रहे हैं डन। उर्वशी लिख लिया आपने? यस सर। अच्छा, इस लॉ का भी नाम जरूर सुना होगा आपने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सच सच बताइए, मैं पूछूंगा नहीं किसी से, ये तो पढ़ा है ना आपने, आपके सिलेबस में था ना 9th 10th में। बोलिए, ये किसने दिया था? डाल्टन ने, डाल्टन ने दिया था। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, मैं समझाऊंगा, या पहले मैं एक बात बताता हूँ, गौर से सुनिए अच्छे से, लिखिएगा नहीं। कार्बन एंड ऑक्सीजन है आपके पास, प्लीज सुनिए, दो एलिमेंट हैं, तो आप बताइए ये क्या कंपाउंड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या कंपाउंड बना सकता है, सारे लोग बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे। यस सर। अब देखिए, यहाँ जो रेशियो है 12:32 है, यहाँ 12:16 है, बताइए इस कंपाउंड में किसका मास फिक्स्ड है? कार्बन का। मैं बार हाँ बोल रहा हूँ, लाइन को सुनना है। हाँ, कार्बन का मास फिक्स्ड है, यही लाइन न्यूमेरिकल में आएगी। एक एटम के मास को फिक्स करके हम दूसरे एलिमेंट के रेशियो को चेक कर लेंगे, न्यूमेरिकल इसी तरह देगा। लॉ ऑफ डिफिनिट में कोई कंफ्यूजन है, उसमें दो एटम का हम रेशियो निकालना है, अगर रेशियो सेम है तो हम कहेंगे लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा, एक एटम के मास को फिक्स करना पड़ेगा।
आप देखिए ऑक्सीजन और का जो मास है क्या कहेंगे 32:16, बताइए सिंपल होल नंबर रेशियो में है कि नहीं, जल्दी बताइए, आया ना, याद है सिंपल होल, यही हो गया लॉ। अगर ये सिंपल होल नंबर में आ गया तो हम कह देंगे मल्टीपल प्रोपोर्शंस, याद रखें। जैसे अगर आपको कोई कह दे, इस पर ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जैसे आपको फिर से कह दे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और से सुनिए आप अच्छे से, इसके तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे NO है मान लीजिए, N2O है, N2O3 है, N2O5 है मान लीजिए। अब बताइए N में देखिए 14:16, तो हम इसको ध्यान दीजिएगा, मैं जो लिख रहा हूँ और आप कहिएगा सर गलत लिख रहे हैं या सही, अगर हम इसी को 28:32 कर दें तो बात बराबर ही हो जाएगी कि नहीं, ऊपर नीचे दो से ही मल्टीप्लाइड कर दें, बोलिए कोई फर्क पड़ेगा रेशियो पर, जल्दी बोलिए सारे लोग, अरे कोई बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, बोलिए सब कुछ समझ में आया, क्यों दो से मल्टीप्लाइड किया भी पता चल जाए, यहाँ जैसे 28:16, यहाँ 28:48, यहाँ 28:80, चूंकि यहाँ 14 था तो हमने फिक्स रेशियो करने के लिए दो से दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया कि इसका जो रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। अब बताइए इसमें किसका मास फिक्स्ड हो गया, जल्दी बताइए, नाइट्रोजन का कि ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, देख लीजिए 32:16, या आप पहले इसको लिख दीजिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 16:32:1, देखिए सिंपल होल नंबर रेशियो, समझा कि नहीं, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वही कहा जा रहा है कि व्हेन टू, जब भी मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होंगे तो हम उसमें एक एटम के मास को फिक्स करके दूसरे एटम के मास के रेशियो को चेक कर लेंगे, अगर वो सिंपल होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं आया, 3.2 नहीं आया, तो हम समझ जाएंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में अगर आ गया तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे तो अब मेरे पास आप सारे लोग उसी के नीचे लिखिए स्टेटमेंट, व्हेन टू एलिमेंट्स, दिव्यांशु समझ में आया, कैन यस सर कंबाइन टू फॉर्म, मोर देन भैया मासेस ऑफ वन एलिमेंट का मतलब जिसका masses different, masses of one element that combine with fixed mass of, एक का fixed mass कर देंगे, fixed mass of other element, are in the ratio of a small whole number. स्मॉल होल नंबर में होना चाहिए, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मान लो मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करने के लिए, और अभी क्वेश्चन सब कराएंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन को, ये सब कुछ ही है। अब एक नया लॉ है, ये शायद हो सकता है CBSE में था या नहीं, ICSE बोर्ड में जो था CBSE में हो सकता है ना रहा हो, बताइए अधियान लिख रहे हो, अधियान सर ये एक बार थ्योरी बता दो, ये समझ में, बोलिए कोई डाउट है बताइए, फिर से बोलिए, मैं बता रहा हूँ दोबारा सर। अच्छा थ्योरी समझा, अच्छा ठीक है ठीक है, देखिए थ्योरी आपको दिखने में टफ लग रहा है, वो वही चीज है जैसे मैं आपको बता देता हूँ,
आप इसको समझे, छोड़ दीजिए थ्योरी, पहले बताइए दो एलिमेंट है देविन, हाँ या ना? यस सर। आराम से समझिए, कोई टफ नहीं। दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया है ना, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू एलिमेंट, ठीक है ना? न्यूमेरिकल भी करेंगे, अब घबराइएगा नहीं, थ्योरी को मैं न्यूमेरिकल में भी आपको बताऊंगा। तो दो एलिमेंट है, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया, ठीक है। अब आप देखिए देविन, इसमें किसका मास फिक्स्ड है बताइए? नाइट्रोजन का मास फिक्स्ड है ना, देखिए। हाँ मैं, यस सर, यस सर, वही तो कह रहा है। देखिए when two elements combine, तोड़ तोड़ के पढ़िए, when two elements combine to form more than one compound, then masses of one of the element, masses of one element मतलब जिसका मास डिफरेंट है, देखिए when sir, masses combine होने के बाद, हाँ 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 combine करने के बाद आ रहा है ना, when two elements combine to form more than one compound, then the masses of one of the element combine with the fixed mass of another element. ये जो फिक्स मास से किसने कंबाइन किया, ऑक्सीजन ने, तो देखिए 16 है, 32 है, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। एक के एलिमेंट को हम फिक्स मास कर दिया, ऐसे समझ, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया, दूसरा एलिमेंट जो कंबाइन कर रहा है उससे, उसका मास सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए, 1:1, यहाँ पर है 1:2:3, समझ रहे ना, आया समझ में? यस सर। हाँ, एक दफा और समझा देते हैं कि मल्टीपल प्रोपोर्शन, वहां क्या था डिफिनेट कंपोजिशन में, कि कोई भी वाटर कहीं से भी आया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना वो 2:16:1:8 ही है ना, चाहे अमेरिका का वाटर लीजिए, पाकिस्तान का वाटर लीजिए, टैप वाटर लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर लीजिए, वहां दोनों एलिमेंट का रेशियो निकाल लीजिएगा, तब समझ जाएगा ये लॉ ऑफ डिफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल, नाम ही मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि जब दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए आप, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा, समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। पक्का? अब जैसे आपको कोई चाहेगा, थर्ड लॉ वाला है, उसका फर्स्ट पेज दिखा सकते हैं? हाँ अभी रुक जाइए। अच्छा आप सारे लोग बताओ, S2 और S2O2 जल्दी बताओ, क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है? चलिए उर्वशी सुहान कर रहा है, देखिए एक एलिमेंट का मास को फिक्स कर दीजिए, ये दोनों का मास डिफरेंट है 16, 30, ये ऐसे समझ गया, समझ में बात आई? अच्छा आप फिर से बताइए, मैं ऑब्जेक्टिव देने वाला था लेकिन चूंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसलिए, LiCl NaCl बताइए क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है? यस सर। यस सर। दोनों लोगों को लगता है सेम चल रहा है, यहाँ देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O बना सकता है या H2O2 बना सकता है, तो दोनों में सेम ही एलिमेंट रहना चाहिए ना, हेलो एवरीवन, समझ में आया? हाँ। अब NaCl है तो ये तो केवल NaCl ही बनाएगा, दूसरा कंपाउंड बना ही नहीं सकता, वो जल्दी में ऑब्जेक्टिव में दे देगा, बताओ ये कंबाइन कर रहा है कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बाद में ऑब्जेक्टिव करा के और कंसेप्ट को बिल्डअप करूंगा, इसको हल्के में नहीं लेना। हाँ स्टेटमेंट तो आप 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं आप, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ चुका है, जीमेंस स्कूल लेवल सब पे आ चुका है, बताओ कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, समझ में आया या नहीं आया बता दीजिए सारे लोग, आया ना? यस सर। यस सर, आएगा, घबराइए नहीं, क्वेश्चन से और दोबारा समझाएंगे। हाँ आप क्या कह रहे थे दिव्यांशु? यस सर। सर जो थर्ड लॉ है उसका फर्स्ट पेज देख। अच्छा थर्ड लॉ, हाँ ये फर्स्ट पेज। अच्छा हाँ आप एग्जांपल करवाएंगे, पहले तो मेरे सारे लोग मिलकर बताइए ये स्टेटमेंट सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। हाँ तो चलिए, हाँ आप एग्जांपल लिख लीजिए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, घबराइए नहीं, सब अभी आएगा, सब लॉ को दोबारा हम क्वेश्चन के जरिए करेंगे। सुहानी आप तो कुछ बोलिए, समझ में आ रहा है सुहानी सिंह? Done, sir. Done. Very good. ये भी, हाँ ये लिखिए। दूसरा
दूसरा एग्जांपल लीजिए सर, एन एंड ऑक्सीजन था, एक एलिमेंट के मास को हमने फिक्स कर दिया, देखिए पहला N2O लिख लीजिए, NO लिख लीजिए, N2O3 लिख लीजिए, N2O4 लिख लीजिए, रिकॉर्ड और लिख लीजिए N2O5, जितना चाहें लिख सकते हैं। आप बताइए 28:16, अच्छा यहाँ रुक जाइए, यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ 14:16 है, हाँ या ना जल्दी बताइए प्लीज, बोलिए है ना। yes. हमने क्या किया, चूंकि नाइट्रोजन सब में जो है तो एक इसको हमने क्या किया, इसको भी 2 से इसको भी 2 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलिए सर। इधर पर 16 आ गया ना N2O में, इसमें नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है ना, मतलब उससे मतलब N2O की बात, हम या NO की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सब में फिक्स एक एलिमेंट का मास, ओके सर, ओके ओके ओके, एक एलिमेंट का मास, दूसरा समझ, दूसरा डिफरेंट रहे कोई बात नहीं। यहां देखिए 28 हो गया ना, एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड हो गया, एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड हो गया, एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड हो गया। तो देखिए आप समझ, तो सिर्फ एक एलिमेंट का करना है, हाँ हाँ एक एलिमेंट का, तो दूसरा का मास डिफरेंट वही कहा जा रहा है, जिसका मास एक एलिमेंट का मास फिक्स करके जो दूसरा एलिमेंट है ना उसका मास सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर के रेशियो हाँ होना चाहिए। अब समझ में आया, स्मॉल इंटीजर, ये भी याद रखिए, स्मॉल पॉइंट टू NDTV, स्मॉल होल नंबर, बहुत ही कम नंबर होना चाहिए, समझा, स्मॉल होल नंबर होना चाहिए। ओके समझ में बात आई? Yes sir. Yes sir. अब आइए एक अच्छा लॉ है, उसी के बाद फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। इस पर तो न्यूमेरिकल आएगा ही, इस पर खुद NCERT ने न्यूमेरिकल दिया, बाकी पर तो न्यूमेरिकल नहीं भी दिया है, लेकिन जो मैं लॉ लिखा रहा हूँ उस पर तो उन्होंने दिया है, इसका मतलब है कि इस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी ज्यादा। लिख लिया तो बताइए, डन सर, डन। अब आइए ये लुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, तो इसके नाम ही से साबित है, किसका नाम ही लुसाक है, इसलिए इसमें साइंटिस्ट के नाम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल समझ, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। सबसे पहली बात, मैं चाहता तो स्टेटमेंट लिखा था, लेकिन पहली बात, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैस, पहले बताइए किसके लिए एप्लीकेबल है, जल्दी बताइए। गैस, हाँ गैस होना चाहिए, लिक्विड सॉलिड के लिए है ही नहीं, पहली बात। और इसको पहले आसान लैंग्वेज से समझ, जैसे सुनिए, H2 गैस है प्लीज लिखिएगा, Cl2 गैस है और HCl गैस है, बस समझिए। हम लोग क्या लेते थे अब तक, 1 मोल 1 मोल 2 मोल, सच सच बताइए लिखते थे ना अब तक, सारे लोग मिलके बोलिए, लिखते थे ना, बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए 1V वॉल्यूम के फॉर्म में लिख लीजिए बस, यानी 1V ना लिखकर 1 लीटर 2 लीटर, सॉरी 1 लीटर, यानी अब तक जो पढ़ा कि कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास, अब तक हमने मास के फॉर्म में पढ़ा, गे-लुसाक लॉ ने कहा वॉल्यूम के फॉर्म में भी आता है, यहाँ पर भी रेशियो क्या है, 1:1:2, वही कहा गया कि आप मोल को वॉल्यूम से, मतलब अब तक पढ़ा था अमाउंट को आप मोल मास से और वॉल्यूम से लेते थे, अब रिएक्शन में वॉल्यूम से लेते भी थे तो हम लोग लिखते थे 22.4 लीटर एट STP, लेकिन आपको डायरेक्ट 1 मोल को 1 लीटर ले लेना है, तो यहां पर इस लॉ में याद रखिए अमाउंट ऑफ गैस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बस एक लाइन में, इन दिस लॉ अमाउंट ऑफ द गैस
इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बस अब तक था मोल मास के फॉर्म में लेते थे और वॉल्यूम में लेते थे भी, तो हम एस टी पी पर वन मोल का मतलब 22.4 लीटर लेते थे, हम यहाँ वन मोल को वन लीटर लिख सकते, यहाँ वन मोल को वन लीटर लिख सकते, यहाँ टू मोल को टू लीटर लिख सकते, समझ में बात आई? हाँ याना जल्दी बता दो। हेलो एवरीवन। यस सर, मतलब हमें एसटीपी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, एसटीपी को लिखना होगा तो हमको 22.4 लीटर एट एसटीपी लिखना होगा, लेकिन हम मोल को डायरेक्ट वन लीटर लिख सकते हैं। यस सर, समझ रहे हैं ना, मोल आगे 22.4 लीटर क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन वो नहीं होगा ना, 22.4 लीटर एट एसटीपी होगा, वो एक अलग बात है। यहाँ पर वन मोल को हम डायरेक्ट वन लीटर लिख सकते हैं, यानी अमाउंट ऑफ द गैस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम विदाउट एनी एसटीपी कुछ भी। अगर कोई गैस टीपी पर तो 22.4 लीटर लिखना पड़ेगा आपको, समझ में बात आई? यहाँ जाना वन लीटर टू लीटर में, जैसे हम लोग अब तक क्वेश्चन में करते थे कि इतना मोल कंबाइन किया तो कितना मोल प्रोडक्ट बना, अब आपको दे देगा वन लीटर कंबाइन का कितना लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, बस हम मोल को डायरेक्ट लीटर से कर देंगे। जैसे आप मिसाल लीजिए N2 गैस है, 3S2 गैस है, मैं आपको बता रहा हूँ 2NH3 गैस है, और से इसको कैसे कैसे लिखेंगे सर, ले गुरु बताइए, वन मोल लिख सकते हैं, थ्री मोल लिख सकते हैं, टू मोल लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए, तो वन मोल को 22.4 लीटर एट एसटीपी भी लिख सकते हैं, वो है 3 × 22.4 लीटर एट एसटीपी, 2 × 22.4 लीटर एट एसटीपी, तीसरा इंफॉर्मेशन डायरेक्ट कहिए, वन मोल 1 लीटर, 3 मोल 3 लीटर, 2 मोल 2 लीटर, समझ में बात आई कि हम मोल को डायरेक्ट लीटर में लिख सकते हैं, डायरेक्ट लीटर, यहाँ तो लीटर में कंडीशन है, कंडीशन एसटीपी की, यहाँ विदाउट कुछ भी नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये गेलुसाक लॉ का कहना था कि उसने ये कहा कि वेन यानी गैस का मोल कंबाइन करेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अब तक पढ़ाते थे मोल और मास के फॉर्म में, उन्होंने कहा वॉल्यूम के फॉर्म में लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, जल्दी बताइए। Yes, sir. बस 1 लीटर भी ले सकते हैं, 1 ml भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बताइए, किसी को कोई डाउट है जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए ना। नो सर, नो सर, नहीं है। हाँ, मैं एक और शॉर्ट लाइन लिख देता हूँ, फिर एक्चुअल स्टेटमेंट लिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो मैं बुकिश वर्ड लिख पाऊंगा आपको, शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहा है कि इन दिस लॉ आप ये याद रखिए कि अमाउंट ऑफ गैस, जल्दी बताइए, अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल ऑफ गैस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, बोलिए जल्दी बोलिए, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, जल्दी बोलिए ना, इन टर्म्स ऑफ, बोल ही नहीं रहे, अमाउंट मोल ऑफ द गैस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, क्या लिखिएगा, वॉल्यूम। ओके, आवाज नहीं आ रही है सबको? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखने, अब एक्चुअल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा दी, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, अगर आपको कभी याद ना रहे गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या था, तो सिंपल अमाउंट मोल को हम डायरेक्टली वॉल्यूम में लिख सकते हैं। एसटीपी वाला तो है ही है कि वो तो 1 मोल 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी, हम यहां एसटीपी के बगैर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वॉल्यूम। डन सर, डन, एवरीवन डन? यस सर, डन। यानी हम रिएक्शंस को मोल मास वॉल्यूम सब के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप जब भी एग्जाम में आएगा तो आप ये लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन, बस कंबाइन या प्रोड्यूस्ड, व्हेन गैसेस कंबाइन या प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, बस केमिकल रिएक्शन, बस दे डू सो इन अ सिंपल, वही मैं कहना अब तक कहा था सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास, इन अ सिंपल रेशियो
बताइए बाय मास लिखूं कि बाय वॉल्यूम लिखूं, जल्दी से जल्दी बता दो। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस अ केमिकल रिएक्शन देन डू सो इन अ सिंपल रेशियो, बताओ बाय वॉल्यूम। बस अब तक क्या था, मोल के फॉर्म में, मास के फॉर्म में था, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में। लेकिन याद रखिए एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस पर बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन देगा, ये नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं मिले। सेम टेम्परेचर मतलब यही है कि अगर आपके पास H2 गैस है, Cl2 गैस है, तो अब याद रखिए केमिकल रिएक्शंस में गे लुसाक लॉ के मुताबिक वन मोल टू मोल मतलब वन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम लीटर मिलीलीटर कुछ भी लिख सकते हैं, टू वॉल्यूम ये लिख सकते हैं। वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, टू वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कंबाइन विद टू गिव्स टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये कहने का मतलब ये गैस के लिए अप्लीकेबल होगा। अब आप आइए क्वेश्चंस करने का वक्त आ रहा है, समझ रहे हैं साइंटिस्ट लोग, जल्दी बोलिए। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए क्वेश्चन से आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर पहले गे लुसाक लॉ का कर लेते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 लीटर, आप सुनिए आपको इम्पोर्टेंस आप समझ में आएगी। 10 लीटर ऑफ CH4 गैस रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट। अब सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मिलाई कर। अब सारे लोग पहले लिख लीजिए मैं फिर बताता हूँ। लिख लिया? अब प्लीज सारे लोग सोहानी कैन यू हेयर मी? नहीं सुन रही हैं? यस सर। आपको आ रहा है उस वक्त से हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। यस सर। ठीक है अधियान, मेरी आवाज आ रही है अधियान? हाँ चलो यहाँ देखो आप सुने सारे लोग प्लीज। वाटर लिक्विड में देखिए कैसे लिखना नहीं है, कैसे क्वेश्चन करना है। पहले बताइए कितना मोल है, मोल के फॉर्म में बताइए कितना मोल है। ये वन मोल है, ये टू मोल है, ये टू मोल है, ये वन मोल है। चलिए ठीक है भाई आप सुनिए अच्छे से सुनो। 10 लीटर है, एसटीपी नहीं दिया हुआ है तो क्या 22.4 लीटर का इस्तेमाल होगा? नहीं ना होगा। अरे बोलिए ना हाँ या ना। नहीं होगा। नहीं होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? वन मोल का मतलब वन वॉल्यूम, टू वॉल्यूम, वन वॉल्यूम। ओके हाँ या ना जल्दी बताइए। ओके जल्दी बोलिए ना। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर बताइए मीथेन का कितना लीटर दिया हुआ है, जल्दी बताइए। 10 तो 1 × 10 10 2 × 10 10 20 लीटर बन गया, रिएक्ट किया तो कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, जल्दी बताइए। 10 लीटर। दिस इज आसान। कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए? 10 लीटर। गे लुसाक लॉ इसी को कहते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई? हेलो अगर ये पूछता कि व्हाट लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड तो 20 लीटर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट मीथेन। आपसे पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस हुआ जल्दी बताओ आप। हेलो एवरीवन 10 लीटर आया समझ में कि नहीं आया? हेलो यस सर। बहुत आसान है। यस दिखने में लग रहा कितना टफ है, अरे एसटीपी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व नहीं। जैसे विदाउट एसटीपी रहे गैस रहे तो गे लुसाक लॉ लगा दो, कोई जरूरी नहीं एसटीपी रहता तो हम 22.4 लीटर लेते हैं।
मेरी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं सबको बताइए, ये लुसाक लो सबको। हाँ यस यही हो गया। लिख लिया तो बताइएगा। यस सर। पहले लिखिए सारे, मैं समझाता हूँ। लिख लिया बताइए। Done. Calculate the volume of calica. NO, NO, produced, nitric oxide produced. Volume of nitric oxide produced. लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। फिर वही बात, कहीं पर बताइए, कहीं पर बताइए क्या एसटीपी दिया हुआ है, जल्दी बोले सारे लोग मिल गए। नहीं, नहीं दिया हुआ है तो हम लीटर दिया हो तो हम किस लॉ से कर लेंगे क्वेश्चन को, जल्दी बताओ किस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, सारे लोग मिलके बोलो यार। हाँ गे लुसक लॉ। तो अब देखो फोर मोल है तो क्या लिखोगे, फोर वॉल्यूम, फाइव वॉल्यूम, फोर वॉल्यूम, यही ना लिखोगे। हेलो लिखेंगे। अच्छा आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट 27 है। yes, तो मतलब 4V प्लस 5V, रिएक्टेंट का टोटल है 27, तो बताओ 27 है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा यहाँ। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। हाँ तो आप देखो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 12 लीटर, 15 लीटर, 12 लीटर, तो बताओ कितना है ना प्रोड्यूस हुआ, 12 लीटर नहीं हो गया, कितना आसान है, कितना आसान है स्टूडेंट, जल्दी बता दो कितना आसान है, बोलो बोलो बोलो, खुल के बोलो, खुल के बोलो, आया समझ में? नो सर। नहीं आया सर, एक बार ये बता दो दोबारा। हाँ फिर से बता देते हैं, साइंटिस्ट बहुत अच्छे आदमी है आप, देखिए फिर से बता दो। पहला स्टेटमेंट पर क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, टोटल वॉल्यूम, एक ही टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में अमोनिया और O2 दोनों है ना। यस सर। क्या करेंगे, 4V प्लस 5V, टोटल वॉल्यूम 27 है तो 9V इज इक्वल टू 27, तो V इज इक्वल टू 3 लीटर आ गया, बोलिए ना। यस सर। तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये 12 लीटर होगा, ये 15 लीटर होगा, तो कितना लीटर प्रोड्यूस हुआ, 12 लीटर नहीं प्रोड्यूस हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ NO प्रोड्यूस कितना हो गया, जल्दी बताइए, 12 लीटर। हेलो एवरीवन, आया आंसर? अरे नहीं आया। हेलो सर, आ गया सर, आ गया। अब मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा देता हूँ, अब वो तुम लोग आंसर दोगे। देखो गे-लुसाक लॉ पर एनसीईआरटी ने क्या दिया, देखो बहुत ही गे-लुसाक लॉ पर,
डन सर ये तुम बताना भाई वाटर यहाँ लिक्विड नहीं है वाटर वेपर खुद लिख दिया है ये तुम अपने से इक्वेशन लिखो अपने से क्वेश्चंस बनाओ जल्दी बोलिए पहला काम इक्वेशन लिखा आप लोगों ने H2 गैस O2 गैस H2O गैस H2 लिक्विड के फॉर्म में होता है लेकिन यहां खुद क्वेश्चन कह रहा वाटर वेपर हाँ बताओ आंसर क्या है कितना वाटर अरे अधियान सारे लोग आंसर दें अरे यार टू वॉल्यूम वन वॉल्यूम तो टू वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा जल्दी बताओ हाँ या ना तो लिखते हो कि नहीं सारे लोग जल्दी बताओ सारे लोग यस सर डायरेक्ट बता दो ना 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन है 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया 10 है तो 20 सेकंड टू 5 हो गया तो ये भी 10 हो गया ये 5 हो गया ये 10 10 लीटर प्रोड्यूस नहीं हो गया जल्दी बताओ हाँ या ना 10 वॉल्यूम लिख दोगे हेलो एवरीवन जल्दी बोलो जल्दी बोलो गुड नहीं समझ में आया सबका यही आया ना 10 वॉल्यूम आंसर या 10 लीटर लीटर में तो है नहीं तो 10 वॉल्यूम ही आंसर दोगे शुड बी इक्वल टू 10 लीटर का मतलब हुआ 10 वॉल्यूम अरे यार ध्यान तुमको मैं नाम चिल्ला रहा हूँ तुम बोलते क्या नहीं हो यार आ रहा है समझ में सबको पर वो नेट चला गया मैं बीच में यार सबको नेट ही का बहाना है यार पूरी क्लास खराब हो जाती है किसको आ रहा है नहीं आ रहा कुछ पता नहीं चल पाता है अरे उर्वशी सबको आ रहा है ये स्नेहा पुलामी सबको आ रहा है समझ में yes, ये हुआ कि अगर विदाउट स्टीपी वॉल्यूम दिया रहे केमिकल रिएक्शंस में तो हम गे लुसा किलो ले सकते हैं क्या मैं आगे बढ़ूं बताइए सारे लोग सर एक मिनट रुक जाओ अरे कितना अच्छा क्वेश्चन दे देगा देखिएगा देखिए सब लोग बताइए गे लुसाक लॉ समझ में आ गया अच्छे से जैसे देखिए आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन
देखिए क्या इस्तेमाल करेगा, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, या आप हाइड्रोकार्बन ना लिखकर अल्किन लिख लीजिए, 10 ml ऑफ अल्किन लिखना शुरू कीजिए। ऑन कंबशन, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑन कंबशन गिव्स 30 ml ऑफ कैलकुलेट द, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्किन। पहला ऑप्शन CH4, दूसरा ऑप्शन C2H6, गे लुसाक लॉ का एप्लीकेशन देख लो, देखते रहो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर सकते दे सकता है। पहले लिख लो, मैं खुद करूंगा जल्दी से, देखो सारे लोग, दूसरा तुम लोग करना, मैं बता रहा हूँ, दूसरा कर लोगे तो बताओ तभी दूंगा मैं। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो, यस, अल्केन का इक्वेशन तुम्हें आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, हाँ या ना जल्दी बताओ। O2 से रिएक्शंस किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया, बोलो सही या गलत, बोलो बोलो। यस सर। अब हमें इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना जानते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खुद सोचो, CH4 है और O2 है, तो CO2 और H2O बनता है, तो यहाँ पर N की वैल्यू 1 है। अब हम N की वैल्यू कितना रखें यहाँ पर कि बैलेंस हो जाए, जानते हो ये फार्मूला याद कर लो, ये बैलेंसिंग में भी काम आए। 3N+, देखो N की वैल्यू 1 डाल दोगे यहाँ, N की मीथेन में N की वैल्यू 1 डाल दो तो 2 आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। 4 by 2 वही बैलेंस हो जाएगा। ये फार्मूला याद भी रखो बैलेंसिंग के लिए, कि जब भी किसी अल्केन का हो, जैसे तुम्हें मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें इथेन लिख दे बताओ एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो डायरेक्ट लिख दो 7 by 2। अगर प्रोपेन लिख दे तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जल्दी बताओ, 3 3 3 9 9 1.2, डायरेक्ट तुम बैलेंस कर सकते हो। बोलो ना, सब लोग गवाही दो ना, आ रहा समझ में, हेलो एवरीवन। तो जब भी अल्केन का कंबशन होगा तो कितने ऑक्सीजन की होगा, आप बताओ। यहाँ पर N लिख दो, यहाँ पर N+1 लिख दो, दिस इज बैलेंस। तुम चेक करो N की वैल्यू 1, जैसे N की वैल्यू 1 डालोगे सब कुछ वही बैलेंस हो जाए। अब बताओ सब गैस में सिवाय वाटर को छोड़, तो बताओ सारे लोग 1 1 V, यहाँ पर जितना कोफिशियंट है उससे मल्टीप्लाइड कर दो, 2O2 होता तो 2V, तो इतना वी NV, यही तो लिखेंगे, जल्दी बोलो सारे लोग, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब बताओ, तुम्हें बताओ क्वेश्चन में कितना ml अल्केन दिया हुआ है, 10 ml, तो जब तुम 10 ml इसको लिखोगे, चलो O2 की तो जरूरत ही नहीं है, 10 ml लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 10, ये भी 10 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी बोलो ना। यस सर। और ये कितना हो जाएगा, 3N+1/2, वॉल्यूम 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, 10 वॉल्यूम है तो N की N रख दोगे, 10N हो जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बता दो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो। अरे यार, तो हम लोग ऐसे लेते थे ना, CH4+O2, 2O2 एंड CO2 लेते थे, तो लेते थे ना 1V 2V V, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 1V जो कोफिशियंट है उससे V को मल्टीप्लाइड NV, तो यहाँ पर 10 ml है तो 10 से यहाँ 10N हो गया, सबको बताओ हाँ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes. आप बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, प्रोड्यूस हो रहा है, जल्दी बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड, 30 ml, तो बताओ 10N शुड बी 30 ml हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 डाल दो यहाँ पर तो प्रोपेन बन रहा है, दिस इज द आंसर, कितना आसान है, बताओ 10N शुड बी इक्वल टू 30, तो N3N की वैल्यू पुट कर दो, C3H8, दिस इज द आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, गेलो साथ लो, दिस इज द आंसर। हेलो एवरीवन, आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं आया। यस सर। हाँ देखो, फिर से देखो, अल्केन का जनरल फार्मूला ये याद भी रखो, बहुत काम देगा आगे केमिस्ट्री में। O2 ये है O2, तो याद रखो N मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, N+1 वाटर बनेगा, तो जो सब गैस में है उसको देखो, 1 मोल है तो 1V हो गया, 3 2 मान लो 2 मोल होता तो 2V लिखते, इतना मोल है
जो है उसको v से मल्टीप्लाइड कर दो, nv हो गया। अब क्वेश्चन में ये दिया होगा 10 mm, तो 10 हो गया, तो ये 10v हो गया, ये 10n हो गया, सॉरी 10 भी नहीं, ये 3n plus 1 into 10, ये हो गया। वही तो मैंने कहा कि गेलू साक लॉ यही कहता है कि मोल को, तो चूंकि हमें इन सब की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो 10n should be equal to 30, तो n की वैल्यू 3 आ गई। अब n की वैल्यू 3 आ गई तो आपके पास अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C3H8, दिस इज द आंसर। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं गेलू साक लॉ, बस आप जान रहा था कि 1 mole है तो 1V लिख सकते हैं, 1 mole है V का मतलब 1 liter लिख सकते हैं, ये सब है। आप मोल को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं, ये उस वक्त से मैं समझा के थक चुका हूँ। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी बोल दो स्टूडेंट। हाँ गेलू साक लॉ अच्छे से आया कि नहीं आया ये मुझे बता। हाँ याद रखो वॉल्यूम को मोल को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना विदाउट एसटीपी, विदाउट एसटीपी केमिकल रिएक्शंस में हम मोल को डायरेक्ट वॉल्यूम में लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसको। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर लिख लिया। नो सर। डन सर। अच्छा आप सुनो, नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं सारे लोग मिलके बोलिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए कोई बोल, हाँ सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब सुनिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कहानी, सारे लोग सुन रहे हैं तब मैं बोलूंगा। सुन रहे हैं मेरी बातें? यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कान, अभी से मैं बोल देता हूँ, इसका 60% पार्ट ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि 12th की फिजिक्स में पढ़ना हुआ। बोर मॉडल, डाल्टन्स लॉ, रदरफोर्ड, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉग्ली, हेजनबर्ग, केमिस्ट्री में ऐसे हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, और ये पूरी फिजिक्स में भी पढ़ना, जिसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स 12th। इसी का सेकंड पार्ट है क्वांटम, ये नहीं पढ़ा तो पूरी केमिस्ट्री में कमजोर रहेंगे आप, खासकर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर सर क्वांटम नंबर, ये नहीं मिस होना चाहिए जो स्टार्ट हो, क्वांटम नंबर ये मिस हो गया तो थर्ड चैप्टर में कोई नुमारी करने, वही पूरा क्वांटम नंबर ही के बाद पीरियोडिक टेबल है, उसके बगैर आप पीरियोडिक स्टेप नहीं होंगे। क्वांटम नंबर सही से नहीं पढ़ेंगे तो केमिकल बॉन्ड भी पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बोल ही नहीं रहे, समझ में आ रहा है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट क्वांटम नंबर है, वही असल है केमिस्ट्री, 60% पार्ट है, वो कमजोर भी रहेगा उसको आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिजिक्स में भी आप और फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा दोबारा 12th में, हम भी पढ़ेंगे, पुरान भी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इसमें क्वांटम नंबर पर बहुत ही रिसर्च करना है आपको। सुना एवरीवन? हेलो यस। हाँ ये कहानी है, ये कहानी है। आप देखिए, अब मैं एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, 0.243 का मैग्नीशियम जो है और बर्निंग विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ये कह रहा है बर्निंग। तो देखिए क्या कह रहा है कि इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए क्या कह रहा है, लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 0.243 ग्राम ऑफ, अच्छा ऐसे कीजिए आप, ये पहला लाइन कर दीजिए, आप यहाँ से लिखिए इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, यहाँ से लिखिए तो है, पहला लाइन कर दीजिए, इन फर्स्ट 0.34 मैग्नीशियम बर्न्स विथ
0.160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, वेरी गुड. इन सेकंड एक्सपेरिमेंट जीरो पॉइंट वन एट टू ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्न्स विथ ऑक्सीजन गिव्स 0.302 ग्राम ऑफ MgO. पहले लिख लीजिए, यहां तक जल्दी से लिखिए. डन सर. डन. आपसे पूछेगा विच लॉ इज ओबेड. ठीक है, विच लॉ इज ओबेड. अब आपको पूछा था, देखिए हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे. सारे लोग लिख लिया पहले, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना. यस सर. यस सर. तो आप क्या करें इस तरह के क्वेश्चन में, देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट करें, बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना. यस सर. यस सर. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मास का रेशियो बताइए. 0.243 है और 0.160 है, इसका रेशियो निकालिए तो कितना आ रहा है. देखिए तो 0.243 डिवाइडेड बाय 0.160 कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है. जल्दी बताइए तो, देखिए तो आप लोग भी चेक कीजिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है. 1.5 मतलब 3/2 आ जाएगा. जल्दी बताओ, हाँ या ना. 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं ना, बोलो ना. हेलो एवरीवन. यस सर. यस सर. आप देखो एक्सपेरिमेंट सेकंड देखो, मास ऑफ मैग्नीशियम कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो मास ऑफ मैग्नीशियम. जल्दी देखो ना क्वेश्चन में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.182. अच्छा, मास ऑफ MgO कितना दिया हुआ है, 0.302. तो खुद सोचो, मास कंजर्वेशन से नहीं निकाल सकते हो कि मास ऑफ इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि कंपाउंड का जो मास होता है दोनों एलिमेंट के मास का सम होगा ना. हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन. यस. अरे बोलिए ना, दो में से जीरो, दस में से दो, 120 ग्राम. अब इसमें MgO का रेशियो देखिए, 0.182 बाय 0.120. बताइए ये कितना आ रहा है, बताइए सारे लोग मिलके बताइए. 3/2. बताइए, चाहे MgO फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो, उसमें रेशियो फिक्स्ड है कि नहीं, जल्दी बोलो. रेशियो फिक्स्ड हुआ, ये लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन हो गया. ओ माय गॉड, लॉ इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा कि कौन से लॉ को ओबे किया. चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट करो MgO में, जैसे वाटर कुछ भी करो, 2:6:1 रहता है, इसी तरह का क्वेश्चन सब दे देगा. बहुत आसान है, जो कंपाउंड है हर एक्सपेरिमेंट में उसका रेशियो ले लीजिए, रेशियो फिक्स रहेगा तो लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन होगा. आया समझ में कि नहीं आया? यस सर. यस सर. चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर ये चैप्टर आज खत्म हो गया ना? हाँ खत्म हो गया. अब नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ इसकी हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी अलग से कराएंगे. समझ रहे हैं? ओके ओके. यस ओके. बाय बाय. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू.